हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में समझने वाले हैं कि एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होती है और इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं बहुत ही इजी भाषा में। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। फिर तो इससे रिलेटेड पहले आप और वीडियो देखना चाहते हो एचआरएम में तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ इसकी जो हर एक वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के नोट्स भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर तो पहले तो समझते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है। तो देखो यार, काउंसलिंग सिंपल भाषा में वही होती है कि आप किसी को एक तरह का एडवाइस दे रहे हो। लिटरली उसका मतलब यही होता है काउंसलिंग का, एडवाइस देना किसी को। आप किसी को बता रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, दैट इज काउंसलिंग। आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, दिखलाना करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे करियर काउंसलिंग होते हैं कि आपको मान लो 11th के बाद क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा, या 12th के बाद क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा। तो करियर काउंसलर होते हैं बहुत सारे, वो करियर काउंसलिंग देते हैं और वो आपको समझाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करना लेकिन आप नहीं होता है, तो दैट इज काउंसलिंग। तो वही एडवाइस देना। बट वो कह रहा है कि काउंसलिंग का सिर्फ मतलब एडवाइस नहीं होता, काउंसलिंग को सिर्फ एडवाइस से जोड़ोगे गड़बड़ हो जाएगी। सिंस काउंसलिंग इज नॉट एडवाइजिंग, सिर्फ एडवाइजिंग थोड़ी वर्ड होता है काउंसलिंग का। बट इसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के और उसको एक रास्ता दिखाते हैं ताकि वो खुद से प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो हेल्पिंग द कंसल्ट पर्सन टू फाइंड हिज और हर वे आउट ऑफ वन ओन प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम का वो अपने आप रास्ता ढूंढे, दैट इज काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एकदम से आपको समझ नहीं आएगा दूसरे की प्रॉब्लम, एकदम से आप उसको रास्ता नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। उसकी इमोशनल प्रॉब्लम को समझ के एक ताकि उसकी बेटर मेंटल हेल्थ हो सके, दैट इज काउंसलिंग। और एम्प्लॉय काउंसलिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपनी जॉब में बेटर फील कर पाए, कंफर्टेबल हो अपनी लाइफ के साथ, तभी वो अच्छे से डील कर पाएगा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आएगी जो वो डील कर पाएगा। तो एम्प्लॉय काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉरेन रेडमैन, काउंसलिंग क्या मतलब क्या है कि क्लैरिफाई करना दूसरों की प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो कि उसकी प्रॉब्लम आ रही है 12th के बाद क्या करे समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको समझा रहे हो कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो क्लैरिफाई हो रहा है उसकी प्रॉब्लम को, क्लैरिफाई कर रहे हो आप और उसको समझा रहे हो और उसको एक इनेबल कर रहे हो ताकि वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी प्रॉब्लम की और उसको बाहर निकाल सके उस प्रॉब्लम से, ताकि वो रिजोल्यूशन डिफिकल्टी से रिजोल्यूशन ले पाए, बाहर निकल पाए वहां से, दैट इज काउंसलिंग। सो करेक्टरिस्टिक क्या है काउंसलिंग, एक कॉम्युनिकेशन है, काउंसलर जो काउंसलिंग दे रहा है और कंसल्ट जिस जो दे रहा है, जिसको ली जा रही है, जिसको दी जा रही है काउंसलिंग, उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग एक प्रोसेस है, सिर्फ एडवाइस नहीं देना है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के समझाते हैं कि उसको कैसे कोप अप करे, क्लैरिफाई करना है कि सामने वाले के प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना और उसको समझा सके, उसको समझाना कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करके उसको समझ आ जाएगा कि अब क्या करना है। बहुत प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग एक बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, इम्प्लॉय जो है वहां पर अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। ये नहीं कि एम्प्लॉयर को, जैसे कि एम्प्लॉयर के सामने ऐसा नहीं होगा, पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी लगेगी। काउंसलिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब एम्प्लॉय की प्रॉब्लम दूर हो पाएगी तो अच्छे से काम कर पाएगा, उसके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ पाएगी, जॉब से रिलेटेड वो काम अच्छे से कर पाएगा, ह्यूमेन हो जाएगा, दयालु हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वरना क्या होता है कि जब काउंसलिंग नहीं होती तो एम्प्लॉई बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है जॉब में और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है बस। तो काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है। अब काउंसलिंग की जरूरत इस क्यों है, सबसे पहला स्ट्रेस। आजकल बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस बहुत है, जॉब में कई सारे स्ट्रेस होते हैं, वर्क प्रेशर ज्यादा होता है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को स्ट्रेस ज्यादा है किसी को कम है। स्ट्रेस की वजह से जॉब अच्छे से कर पाता नहीं है वो, जब स्ट्रेस होगा सामने वाले को ज्यादा तो काम ही नहीं कर पाएगा अच्छे से वो। तो स्ट्रेस के कॉजेज क्या है, स्ट्रेस के कॉजेज ऑन द जॉब है कुछ, कुछ ऑफ द जॉब है। ऑन द जॉब जॉब से रिलेटेड है, जैसे कि वर्क प्रेशर होता है जॉब में, डेडलाइन होती है कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतना काम करना है, वर्क लोड दे दिया बहुत ज्यादा, कॉन्स्टेंट न्यू आइडियाज हो रहे हैं, न्यू दे रहे हैं, चेंजेस को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं रोज नए नए, तो भैया एम्प्लॉई परेशान हो जाते हैं। एम्प्लॉई मशीन थोड़ी है वो भी इंसान है, कितना काम करवाओगे उससे भाई। तो जॉब में ज्यादा काम करवाने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी उल्टा गिर जाती है और ज्यादा स्ट्रेस में बर्नआउट हो जाता है। बर्नआउट का मतलब वो अब
बर्नआउट का मतलब बिल्कुल अंदर तक फट जाता है एक तरह का। ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर इंप्लॉय सोचता है कि अब तो कुछ नहीं बचा, दे हैव नथिंग मोर टू गिव एज अ रिजल्ट ऑफ मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल एग्जॉशन। इतना ज्यादा वो परेशान हो जाता है कि अब वो सोचता है कि इंप्लॉय अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं यहाँ का, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। तो ज्यादातर जो है 30 के बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कॉन्स्टेंट वर्क प्रेशर की वजह से होता है। कुछ कोज होते हैं स्ट्रेस के ऑफ द जॉब, छुट्टियों के कारण, एब्सेंटिज्म। जब ज्यादा एब्सेंटिज्म बढ़ती है तो इंप्लॉई जॉब से रिलेटेड परेशान हो जाता है, वो जॉब इन्वायरमेंट में सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता जैसे पहले करता था। इलनेस हो जाती है, कई बार इंप्लॉई जो है बीमार पड़ा हुआ है इतने दिन से पहले से ही, तो वो इंप्लॉई जो है वो इमोशनल, अब उसको फिर वर्क प्रेशर दे रहे हो तो बंदा परेशान हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा फिर एकदम से। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा पर्सन कई बार शॉर्ट टेम्पर एंग्री हो जाते हैं, चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए होता है वो। वर्क क्वालिटी कई बार पुअर होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से भी वर्क क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो वर्क क्वालिटी अच्छी होती है तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अब काउंसलिंग की दूसरी नीड क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन। भैया अगर उसको सही से एक्शन करवाना है तो काउंसलिंग जरूरी है, ताकि उसको ये समझा सके कि देखो ये काम करो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। इंप्लॉय इसमें समझाते हैं व्हाट द एम्प्लॉय शुड डू, क्या करना चाहिए उसे, रेदर देन व्हाट द एम्प्लॉय शुड नॉट डू। आपने देखो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में लिखा, ये जगह जगह पे रेलवे स्टेशन पे कई बार लिखा होता है ना कि ऐसे स्मोकिंग, स्मोकिंग का एक चित्र बना हुआ है, स्मोकिंग बैन है। अब भैया बैन है, आपने बना तो दिया स्मोकिंग ना करो, वहीं पर स्मोकिंग ज्यादा होगी। इधर आप टॉयलेट ना करो, वहीं पर टॉयलेट ज्यादा होगा। तो रूल्स को तोड़ने में जो मजा आता है ना, रूल्स को फॉलो करने में नहीं आता। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये मत करो, ये मत करो, वही लोग करेंगे। तो इसलिए काउंसलिंग में हम ये चीज का ध्यान रखते हैं, काउंसलिंग में कभी भी ये नहीं कहते लोगों को ये ना करो ये ना करो, बल्कि वो कहते हैं कि ये करो वो करो, तब जाके उसके दिमाग में आएगा कि ये करना क्या है, ना कि ये ना करो। ना तो वर्ड उसके दिमाग में नहीं आएगा ना, वही करेगा फिर वो बंदा। ये नोट वाला वर्ड दिमाग में नहीं आएगा उसके, वो वही करेगा जो आप कह रहे हो ना करो, वो वही करेगा फिर। इसलिए एम्प्लॉय को ये समझाना जरूरी है कि ये करो वो करो। वैसे डिसिप्लिनरी एक्शन, प्री इमोशनल, प्री प्रमोशनल, प्रमोशन देने से पहले भी काउंसलिंग जरूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उसको मान लो कि सेल्स मैन से सेल्स मैनेजर की जॉब में डालने वाले हैं। अब इंप्लॉय को काउंसलिंग की जरूरत है कि सेल्स मैनेजर की जॉब के बारे में वो समझ पाए, अपने डाउट क्लियर कर पाए। ऐसे ही आपने देखा होगा 12th के बाद अगर काउंसलिंग की जरूरत होती है कि भाई, ताकि वो अपने डाउट क्लियरिफाई कर पाए कि अच्छा इस करियर में क्या होता है, उस करियर में क्या होता है, पहले ही समझ पाएगा तो जॉब अच्छे से कर पाएगा वो। फिर वो करियर के मिड में जरूरत होती है काउंसलिंग की। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे से करियर में पहुंच जाते हैं हम मुकाम में ऐसा, फिर वो टॉप पोजिशन पे जाने की कोशिश करते हैं मैनेजर, वो सोचता है कि मुझे टॉप पोजीशन मिल जाए, बट वो टॉप पोजीशन तभी मिल पाएगी जब वो टॉप पोजीशन खाली होगी। तो वहां पर वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि वो उसको समझा सके कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अच्छे से काम करो, आप टॉप पोजिशन पहुंच जाओगे, स्ट्रेस ना लो इस चीज का। फिर रिटायरमेंट से पहले होती है काउंसलिंग की जरूरत, प्री रिटायरमेंट। कई बार क्या होता है कि हम रिटायरमेंट की स्टेज पर आ जाते हैं और वो हम सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं बचा लाइफ में, अब तो आगे करूंगा क्या मैं, उसको अप्रिहेंशन ना हो जाए। अप्रिहेंशन का मतलब डर ना आ जाए फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर से डर आ जाता है कि भाई अब रिटायरमेंट के बाद करेंगे क्या, तो इसलिए वो अपने काम नहीं कर पाता फिर अच्छे से। तो इसलिए उसको समझाना बहुत जरूरी है, ताकि वो इंप्लॉय अच्छे से काम करे रिटायरमेंट से पहले पहले तक। तो इसलिए रिटायरमेंट से पहले कहीं ऐसा ना हो कि वो काम नहीं कर रहा है, तो काउंसलिंग देने से वो सही हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, नीड फॉर काउंसलिंग। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग फंक्शन, काउंसलिंग होती कैसे है। तो देखो काउंसलिंग में हम एडवाइस देते हैं, यानी कि दूसरों को सलाह देंगे कि आप ये करो, 12th के बाद आप ये करो, बीकॉम करो, या फिर आप सीए कर सकते हो, ये कर सकते हो। जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 12th वाला। ऐसे ही जॉब में भी होती है काउंसलिंग, कि भाई एडवाइस देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम को ये दूर करो, ऐसे करो, आपको टारगेट ऐसा करो, डेली का शेड्यूल ये होना चाहिए, ये एडवाइस देना है। एडवाइस के साथ साथ आपको रीएश्योरेंस भी देना पड़ता है। रीएश्योरेंस का मतलब उसको तसल्ली देनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इतना ही बोल दोगे ना तो उसका जो टेंशन है ना वो कम हो जाती है, तो इसलिए ये स्ट्रेस कम हो जाता है उसका। तो इसलिए ये तसल्ली देना उसको बहुत जरूरी है कि आप कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। कम्युनिकेशन, बातचीत से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाती है कई बार। कई बार हमारे लिए कोई बातचीत करने वाला होता ही नहीं है कि प्रॉब्लम के बारे में कोई बातचीत करे,
इमोशनल टेंशन रिलीव हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है काउंसलिंग की वजह से, क्लैरिफाइड थिंकिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम मान लो कि है कि मैं इस जॉब में अच्छे से काम को कर नहीं पा रहा हूं, ठीक है, मुझे वर्क अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। तो अब उसको थिंकिंग को क्लैरिफाई करने के लिए उसको काम के बारे में समझाएंगे तो क्या होगा, उसकी क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लैरिफाइड थिंकिंग हो जाएगी। अच्छा ये दिक्कत थी, अब ये इसको ऐसा करेंगे, तो क्लैरिफाइड थिंकिंग वजह से वो रीओरियंटेशन कर पाएगा। रीओरियंटेशन का मतलब अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी और अपने हिसाब से सोल्यूशन निकाल पाएगा, ठीक है ना। ऑन प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल पाएगा, वो रीओरियंटेशन कर पाएगा, तभी कर पाएगा जब थिंकिंग को क्लैरिफाई करा जाएगा, उलझा हुआ थिंकिंग ना हो। समझ आ गई बात? तो एडवाइस, रीअश्योरेंस देना, कम्युनिकेशन, इमोशनल टेंशन को रिलीज करना, ये काम है काउंसलिंग का। थिंकिंग को बिल्कुल साफ करना, क्लियर करना कि कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, और ओरिएंटेशन करके वो खुद निकाल पाए फिर। अब वो बात करते हैं काउंसलर कौन कौन से होते हैं। काउंसलर मतलब जो वही जो काउंसलिंग करते हैं, किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। तो काउंसलर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैनेजर कर सकता है काउंसलिंग, जो मान लो कोई आपका बॉस है, मैनेजर है, वही आपको एम्प्लॉय को काउंसलिंग करेगा, बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि मैनेजर बड़ा एम्प्लॉय जो है उसे डरता है, एम्प्लॉय फ्रीली बता नहीं पाएगा बात मैनेजर को। तो उसके लिए फिर आपको एचआरडी मैनेजर कई बार करता है काउंसलिंग, क्योंकि एचआरडी मैनेजर बढ़िया है, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर है, वो समझेगा प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन की। कई बार वॉलेंटियर को बुलाया जाता है, स्टूडेंट होते हैं बड़े सारे, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, वो कर देते हैं काउंसलिंग। कई बार बाहर की एजेंसीज होती है काउंसलिंग की, उसको बुलाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सोनू शर्मा एक मोटिवेशन स्पीकर है, वो कंपनीज में काउंसलिंग देते हैं जा जाके, तो वो भी दे सकते हैं। इन हाउस काउंसलर होते हैं, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय एक काम कर रहा है और वो एम्प्लॉय खुद ही काउंसलिंग कर देता है, एम्प्लॉय खुद ही काउंसलर होता है, वो जानबूझ के क्या होता है कंपनी उसको बुलवाती है एज अ एम्प्लॉय, और एज अ एम्प्लॉय वो काउंसलिंग करता है दूसरे एम्प्लॉय की, तो वहां पर भी काउंसलिंग होती है। बट इसका एक प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय समझ जाता है कि ये काउंसलर है खुद, तो एम्प्लॉय की तरह वो फिर फ्रीली इसको बात बता नहीं पाता है, जितना बता पाएगा आउटसाइड एजेंसीज को, जिसको जानता नहीं है उसको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा बात, है ना, जो जानता है जिसको हम उसको नहीं बता पाएगा। अब स्किल्स और टेक्निक्स की बात करें तो क्या क्या इसमें स्किल यूज होती है। सबसे पहले काउंसलर को लिसन करना पड़ता है अच्छे से, ऑब्जेक्टिवली, मतलब अपने आप को बीच से हटा दो। मान लो वो कह रहा है कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा इतने का, आप कहोगे तो कुछ भी नहीं है आपका, आपको अचीव क्यों नहीं हो रहा है, तो बड़ा आसान है। तो भैया फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, सामने वाले को समझो, सामने वाले को रखो अपनी जगह पे, तो दैट इज ऑब्जेक्टिवली लिसनिंग। लिसनिंग कब आती है, जब क्वेश्चन पूछोगे, समझोगे, फिर इम्पैथी गेन करोगे। इम्पैथी का मतलब होता है आप सहानुभूति, कि सामने वाले की मान लो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसको दुख है, कुछ टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको फील करो। आप भी ऐसे अपनी बॉडी लैंग्वेज ले आओ, अपनी अपने अपने जो है जेस्चर ऐसा ले आओ कि भाई उसको भी लगे कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं दूर कर लूंगा। तो इस इम्पैथी में ये चीज होती है कि आप सामने वाले को, जैसे कि मान लो सामने वाला मतलब रो रहा है, तो आप भी अपने रोने वाले इंप्रेशन लाओ, ये नहीं है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, ताकि वो सामने वाले को लगे कि आपको फर्क पड़ता है उसकी प्रॉब्लम से, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी बात समझ रहा है। ये नहीं है कि भाई सामने वाला रो रहा है तो आप हंस रहे हो, आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो। सिंपैथी अलग चीज होती है। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप कह रहे हो, मान लो वो कह रहा है कि मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है, आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व हो जाएगी, या फिर आप कह रहे हो कि अरे यार बहुत दिक्कत आ गई, ये तो बड़ी गलत हो गया आपके साथ। नहीं 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 जैसा होता है किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा सब, ये सिंपैथी गेन करना है। सिंपैथी के मतलब आप एक ढोंग कर रहे हो उसे, तो इंपैथी में आप सामने वाले को समझ रहे हो और उसके इंप्रेशन को मैच कर पा रहे हो, उसकी वजह से फिर पावर रिफ्रेन करना, रिफ्रेनिंग पावर, पावर को आप रिफ्रेन कर पाते हो, फिर उसकी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कर लेते हो कि हाँ ये चीज उसके साथ हुई है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज उसके साथ हुई है, तो उसको समझ रहे हो। पहले आपने इम्पैथी गेन करी, उस प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम को आपने एक्सेप्ट कर लिया पावर गेन करके, फिर आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इस प्रॉब्लम अच्छा ये हुई है इसके साथ, अब उसको दूर कैसे करा जाए।
फिर कॉन्ग्रियंस, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, कॉन्ग्रियंस मतलब देखो, कॉन्ग्रियंस का मतलब क्या है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप सामने वाले का एक केयरिंग एटीट्यूड बना रहे हो। पहले आपने सुना उसको, ठीक है, इम्पेथी इम्पेथी करी उसको, फिर एक्सेप्ट कर लिया, फिर सामने वाले ने समझा कि हाँ भाई आप बात समझ गए, फिर आपने प्रॉब्लम को समझ के अब अपना सोल्यूशन दिया, दैट इज कॉन्ग्रियस। अब आपने एडवाइस दी, तो सिर्फ एडवाइस देना कौन आपका नहीं होता, एडवाइस देखो बाद में दी है, तो पहले फिर आपने एडवाइस दी, अच्छा ये करना चाहिए, फिर आपने कहा तो थिंक करो इसके ऊपर, आप सोचो, फिर रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर आपने रिस्पॉन्स दिया। पहले कॉन्ग्रेस का मतलब आपने केयरिंग एटीट्यूड दिखाया, अच्छा देखो आपके साथ ये गलत हुआ ये हुआ, फिर आपने उसको सोचा, फिर रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद कॉन्ग्रेस के बाद आपने रिस्पॉन्स दिया, ये चीज होता है कौंसलिंग। कॉन्ग्रेस का मतलब आपने केयरिंग एटीट्यूड जताया, जताया अपना अपना केयरिंग एटीट्यूड दिखाया कि अच्छा ये आपके साथ ये हुआ है कि मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, फिर आपने उसके ऊपर सोचा समझा, फिर आपने आगे रिस्पॉन्स दिया, ये चीज काउंसलिंग का पार्ट है। सुना, इम्पैथी जताई, एक्सेप्ट किया, फिर केयरिंग एटीट्यूड दिखाया, फिर आपने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो भैया एक होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग, जो काउंसलर सेंटर्ड होती है, जहां पर काउंसलर ही बोला जा रहा है, काउंसलर अपनी बात करी जा रहा है, करी जा रहा है, काउंसलिंग की बात तो सुन ही नहीं रहा, काउंसलिंग की बात तो समझ नहीं रहा, अपनी बात करी जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं अपनी अपनी, वो ये नहीं समझ रहे कि सामने वाले को बस आप जताने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो, सुन तो रहे ही नहीं हो आप सामने वाले को, दैट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव में काउंसलिंग सेंटर है, जहां पर पूरी बात काउंसलिंग की सुनी जा रही है, समझा जा रहा है, लिसन कर रहे हैं, इम्पैथी कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो रहा है, कॉन्ग्रेस दिखा रहे हैं, फिर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस अपनी बात बोले जा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी है। बट सबसे अच्छी कौन सी होगी, तीसरी वाली, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ सुने जा रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, दोनों पार्टिसिपेट करें और दोनों सोल्यूशन निकाले, दैट इज पार्टिसिपेटिव या कोऑपरेटिव काउंसलिंग। कि सामने वाला की बात, जैसे कि हम एक तरह डिस्कशन चल रही हो, वो कहेगा अच्छा ये हुआ वो हुआ, अच्छा ऐसा हुआ था आपके साथ, अच्छा वैसा हुआ था, फिर वो कहेगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, फिर आप कह रहे हो अच्छा ये क्यों हुआ था, तो आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, सामने वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और दोनों मिलके सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि ये भी गलत है कि सिर्फ सुने जा रहे हो और अपनी बात कर ही नहीं रहे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपने आप ये तो फिर आप यही हो गया ना कि आप सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो और आपका रिस्पॉन्स बाद में दे रहे हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स को माने ही ना। उसके बाद एक डिस्कशन चलनी चाहिए, पार्टिसिपेट दोनों करें, बातचीत कम्युनिकेशन दो वे होने चाहिए, तब क्या होगा कि डिस्कशन से सॉल्यूशन निकल सकता है अच्छे से। तो ये चीज है, आप सुनो समझो एक्सेप्ट करो, फिर कॉन्ग्रेस दिखाओ, फिर जाके आप अपना रिस्पॉन्स दो, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप ये सब चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी और ये चीज अच्छे से आपको समझ में आई है, तो फिर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।